ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे।